अलगाववादियों पर मोदी सरकार के प्रचंड प्रहार से महबूबा मुफ्ती को कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही। चुनावी मौसम में वोट के खातिर महबूबा ने कहा है कि सत्ता मिली तो अलगाववादी संगठन JKLF और जमाते इस्लामी से प्रतिबंध हटा देंगे। अलगाववादियों पर सख्ती से तकलीफ क्यों? आतंक पर प्रहार से घबराई महबूबा। वोट के लिए महबूबा का अलगाववादी प्रेम। अलगाववादियों पर मोदी सरकार के प्रचंड प्रहार से हिंदुस्तान में रह रहे पाकिस्तान प्रेमियों की तकलीफ बढ़ गई है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अलगाववादियों पर हो रही सख्ती से घबराई हुई हैं। चुनाव में वोट पाने के लिए महबूबा मुफ्ती ने यहां तक कह दिया है कि उन्हें सत्ता मिली तो वे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जमात-ए-इस्लामी से प्रतिबंध हटा देंगी। महबूबा की पार्टी अलगाववादी संगठन JKLF और जमात-ए-इस्लामी को कानूनी मदद देने को भी तैयार है। पुलवामा अटैक के बाद से ही घाटी में अलगाववादियों पर सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अलगाववादियों और टेरर फंडिंग में शामिल संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हमने सैकड़ों लोग जिनको सिक्योरिटी मिली हुई थी और देश के खिलाफ बोलते थे, सैकड़ों ऐसे जिनको सिक्योरिटी मिलने का कारण ही नहीं था, सिक्योरिटी हटा दी। दो प्रमुख संस्था जमायते इस्लामी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हमने प्रतिबंधित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति स्पष्ट है, दुश्मन अगर गोली चलाएगा तो हम गोले से जवाब देंगे, गोले से। जांच एजेंसियों की कार्रवाई से जहां घाटी में आतंकी और अलगाववादी खौफ में हैं, वहीं वोट बैंक के लिए राज्य के नेता उनके घाव पर महरम लगाने का काम कर रहे हैं।